नमस्कार, मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की तर्ज पर अब आम आदमी पार्टी ने भी शिविर लगाया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नकली सुविधाओं पर सत्ता बनाने का काम कर रही है। पार्टी पंचायत राज के चुनाव लड़ेगी, नगर निगम के चुनाव लड़ेगी, नगर पालिका के चुनाव लड़ेगी, सभी सिंबल पे लड़ेगी, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और विधानसभा के लड़ेगी और सरकार बनाएगी। 100% भारतीय जनता पार्टी नकली संसाधनों के बेस पे ये सत्ता हासिल करना चाहती है। जिस स्कूल का सर्टिफिकेट सोना के कैंडिडेट ने दिया, उस स्कूल ने लिख के दिया कि नकली है, हमारे यहाँ ये नहीं पढ़े। एक नई राजनीति की शुरुआत इस देश में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी की राजनीति जो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, आम इंसान की जिंदगी में तरक्की की बात कहती है, और वो जरूरत हरियाणा को भी उतनी है जितनी पंजाब को थी, जितनी दिल्ली को थी, जितनी गुजरात को, हिमाचल को है। तो आज इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम लोगों ने ये देश कैसे आजाद हुआ उस विषय पर चर्चा की। चर्चा का सबसे मेन जो मुख्य विषय था जो ये था कि हमें लोगों के साथ लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जो लोग उम्मीद करते हैं, जैसे आप अन्ना आंदोलन के बाद की अगर बात करें या दिल्ली में सरकार बनने की बात करें, तो लोगों ने एक उम्मीद पे वोट दिया था और उसी उम्मीद पे दिल्ली में पार्टी खरी उतरी, तो हर बार लोगों ने जीता के भेजा है, हर बार जिताया है। और ऐसे लोगों को जिताया जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे। उन लोगों के भरोसे पे लोग खड़े उतरे हैं, तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। ये सब हमें समझाया गया दिल्ली से आए हुए हमारे सीनियर लीडर द्वारा, आदरणीय गुप्ता जी द्वारा, संजय सिंह जी, पंकज जी, अनुराग ढांडा जी, प्रवीण प्रभाकर जी, दिनेश प्रताप जी और भी बहुत लोग। तो मानेसर नगर निगम को बने हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक मानेसर नगर निगम के चुनाव की सुध नहीं ली है, जिससे निगम में शामिल होने वाले गांव के लोग मानेसर नगर निगम के मेयर और पार्षद के चुनाव की आस लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द से जल्द मानेसर नगर निगम के मेयर और पार्षदों का चुनाव करवाकर निगम को अपने प्रतिनिधि चुनकर अधर में लटके विकास कार्य करवा सके। निगम चुनाव तो आज जो समय है इससे कुछ समय पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि यार लगभग इसको 1 साल से ऊपर निगम को बने हुए हो गया है और इससे यहाँ की पब्लिक में बड़ा भारी रोष है, क्योंकि जो पंचायत जब काम करवा रही थी तभी बड़ी मुश्किल से काम कंप्लीट हो पाते थे, आज ना कोई पंचायत कर पा रही है ना कोई अफसर करता है। जो पहले के काम पंचायत कर रही थी वो भी कुछ अधम में पड़े हैं, वैसे पैसा वेस्ट हो गया, ग्राम पंचायतों का पैसा निगम में आ गया है। अब जो है अफसरों के सर पे जू नहीं रहेगी, क्योंकि ना तो कोई उनको पर रखवाला है ना कोई बात है, इससे आम पब्लिक में बहुत भारी रोष है। सफाई का कोई किसी भी गांव में नियमित रूप से ना कोई सफाई हो पाती, ना कोई पानी की निकासी का कोई सही रास्ता हो रहा है। पहले ये था कि सफाई वाले लगे रहते थे, थोड़ा बहुत पानी वानी कहीं निकलता था पंचायत अपने तौर पर करवा लेते थे, वो भी सब कुछ खत्म हो गया है। निगम के चुनाव ना होने के कारण समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया है। समस्या इतनी है कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि करने वाला कोई है नहीं, डायरेक्ट अप्रोच किसी के पास है नहीं, जनप्रतिनिधि कोई है नहीं, अफसर ये सच्चाई है नहीं सुनते और उससे समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया। अगर मैं बात करूं नगर निगम मानेसर की, पर्टिकुलरली यहाँ रोडों को बुरा हाल है, पार्क को जो भी ग्रीन बेल्ट है उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, सीवर पानी के कनेक्शन कहाँ से कैसे होने हैं उसका कोई हल नहीं है अभी तक, सिर्फ नगर निगम टैक्स तो ले रहा है और सुविधाएं कुछ नहीं दे रहा।
तो गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ज्वेलरी शॉप से गन प्वाइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 हथियारबंद बदमाशों ने गन प्वाइंट पर लाखों रुपए के आभूषण और 80,000 रुपए की नकदी ली और फरार हो गए। यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 5 का बताया जा रहा है। गुरुग्राम में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। जिले में 24 घंटे में कोरोना के 361 मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना के कुल 1006 मरीज एक्टिव हैं। इनमें से 986 कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि जिले में कोरोना के 20 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये है कि कोविड के केसेज जो है दिल्ली NCR में या भारत में एक सर्च एक बार फिर से देखा जा रहा है। और जैसा कि आपको विदित है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा टेस्टिंग का जो है डेटा है वो गुरुग्राम का। हम ऑन एवरेज 4,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं और अभी भी हम ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 के बीच में टेस्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस से पॉजिटिविटी जो है वो डेफिनेटली राइज हुई है और होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि फेस्टिव सीजन था और फेस्टिव सीजन आ भी रहा है। तो लोगों से यही अनुरोध है कि एक बार फिर से कोविड बिहेवियर अपनाएं और हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जा सकें और लोगों को डिटेक्ट किया जा सके। हमने ऑलरेडी डायरेक्शंस इशू कर दी हैं, यदि जरूरत पड़ी तो हमें एक बार फिर अगर कंटेनमेंट जोन तक की भी बात की अगर करनी पड़ी तो हम दोबारा से कंटेनमेंट जोन। गुरुग्राम में आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के उप कुलपति ने सेक्टर 51 साउथ सिटी टू नरवाना कंट्री के लिए यात्रा को रवाना किया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष में केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत की गई है, जो कि 13 से 15 अगस्त के बीच देश के हर घर पर तिरंगा लहराने की जो मुहिम है उसको लेके आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुलपति, छात्र और जो फैकल्टी है तमाम हाथ में तिरंगा लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए वो निकल पड़े हैं। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि देश के हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा, और जिस तरीके से 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष में तमाम जो युवा हैं, जो छात्र हैं, फैकल्टी हैं या फिर कुलपति हैं, तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए हाथ में तिरंगा लेके शहर के अलग अलग सेक्टर और कॉलेज में जा रहे हैं। सर, सब किस तरीके का ये पूरा रोड मैप होगा, किस तरीके से लोगों को अवेयर करने जा? देखिए, ये जो हमारा 2 अगस्त से और 16 अगस्त तक हम प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, इसमें जो पूरे राष्ट्र में इस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, हमारी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे स्टाफ ने ये सोचा कि क्यों ना पहले इसके लिए जागृति का कार्यक्रम किया जाए। तो आज एक छोटा सा मूवमेंट हम कर रहे हैं जो आसपास के एरियाज में हमारे स्टूडेंट जाएंगे और इसके माध्यम से बताएंगे कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और इस इंपॉर्टेंट इवेंट पर सबको सब पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर, कितनी यानी कि देशभक्ति है, क्योंकि जब तिरंगा हाथ में हो और लोगों को जागरूक करना हो हर घर तिरंगा मुहिम में? सही मायनों में तो ये श्रद्धांजलि है उन वीर जवानों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान दिया, और आज के इस माहौल में जो हम लोग इस झंडे के माध्यम से अपने देश की अखंडता को मजबूती देने चाहेंगे, यही हमारा लक्ष्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में जाएं, लोगों को जागरूक करें कि 13, 14, 15 को देश के घर घर में एक नहीं अनेकों झंडे लहराएं, जिससे देश की अखंडता और यूनिटी साबित हो के वाकई सारा देश एक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो देश भावना है, देशभक्ति है, इसी के चलते तमाम जो स्टूडेंट है वो भी मेरे साथ है, क्योंकि जिस तरीके से वो कितना यानी कि देशभक्ति के प्रति जुनून है, क्योंकि जिस तरीके से हाथ में तिरंगा और जिस तरीके से लोगों को आवाम जागरूक कर रहे हैं, आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम अपने फ्लैग को लेकर चल रहे हैं। ये एक जागरूकता अभियान है जिसके माध्यम से हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि वो भी 15 अगस्त के इस बार अमृत महोत्सव मनाए। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हाथ में तिरंगा लेके तमाम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वो छात्र हैं जो अब युवाओं को, जो लोग हैं या उनको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा जो मुहिम है और यहाँ तमाम जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ मौजूद हैं और हाथ में तिरंगा लेके और देशभक्ति का इतना जुनून कि भारत माता के जो जय घोष हैं वो लगा रहे हैं, तमाम जो फैकल्टी हैं वो भी साथ में। सर, किस तरीके की ये मुहिम रही, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ गुड़गांव यूनिवर्सिटी में पधारने पर धन्यवाद करूंगा कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक आह्वान किया कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराना है। तो मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि वो हर घर में तिरंगा फहराए, और 2 अगस्त को जो हमारे 2 अगस्त को भी एक महत्वपूर्ण दिन है कि जो हमारे झंडे का जिन्होंने डिजाइन किया था स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी, उनको भी मैं नमन करता हूं, और उनके साथ साथ मैडम कामा जी है, उन्होंने भी उनका सहयोग किया था। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही आग्रह करूंगा कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हर घर में तिरंगा फहराए, इसलिए सबको हर घर का तिरंगा फहराना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र हैं, फैकल्टी हैं या कुलपति हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए हाथ में झंडा लिए गुरुग्राम शहर के अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग जगह पर वो जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा जरूर लगाएं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ संजय राठौर।